अपने ट्रैक पे उतर गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और आज हम लोग एंजॉय करने जा रहे हैं स्नो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे सोलांग वैली, फिर वहाँ पे मतलब स्नो इतनी बढ़िया है ना भाई, वहाँ पे खूब सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, सब आपको दिखाएंगे वीडियो में क्या क्या होता है। और उसके बाद हम लोग जाने का प्लान है यहाँ से अटल टनल के बाद हम वहाँ पे सिसु वैली है, अटल टनल को पार करके सिसु वैली आएगा, हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे क्योंकि अटल टनल में इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी कि अभी तक बंद थी लेकिन अब खुल चुकी है, तो हम लोगों का वहाँ भी चलने का प्लान है। और आज का व्लॉग होने वाला है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग क्योंकि आज बहुत मज़ा आने वाली है, सिर्फ स्नो पे मौज होनी है। और हमारे साथ टोटल 15 लोगों का ग्रुप है, बहुत मज़ा आने वाली है। और ये ऐसा व्यू है हमारे होटल के रूम से, सामने स्नो है और इधर भी सामने स्नो के माउंटेन्स, और हम लोग अभी उसी माउंटेन्स में चल रहे हैं। अच्छा चलो भाई, रूम को करते हैं लॉक, करते हैं वहीं पे। चलो भाई चले। अब हम सोलांग वैली से 15 किलोमीटर दूर हैं और हमारे जो ट्रैवलर वाले हैं उन्होंने थोड़ा सा पहले रोक दिया है कि जो कपड़े होते हैं, जो बर्फ स्नो वाले कपड़े होते हैं, वो आपको लेना हो आप यहाँ पीछे दे सकते हैं। यहाँ पे लाइन से देख सकते हो अभी दुकानें बनी हैं, यहाँ पे आपको स्नो के कपड़े मिल जाएंगे। और जैसे शॉप बनी है इधर आप अंदर कपड़े ले सकते हो। हमने यहाँ पे अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं जो कि पहाड़ी कपड़े होते हैं स्नो वाले, हमने वो पहन लिए हैं। स्नो में जा रहे हो कपड़े तो लोगे तो बस आप अपनी चॉइस खुद करना क्योंकि यहाँ पे कपड़े गंदे बहुत होते हैं, तो आप अपना साफ कपड़े खुद देख के निकालिएगा। Waterfall.
नज़ारे हो गए हैं शुरू और बर्फ़ भी हो गई है शुरू, और हम लोगों ने भी अपने ट्रैवलर को एक साइड रुकवाया है जिससे हम लोग थोड़ा सा रोड का एंजॉय ले पाए। और वाह क्या रोड है, पहले ही अपने ट्रैवल से उतर गए, इतने एक्साइटेड आज हम लोग मजेदार, और हमारी साइड में बर्फ ही बर्फ। अप्पा जी ये पागल हो गए। हमारे पीछे है अटल टनल और ये 11 किलोमीटर लॉन्ग है, और इसके अंदर भाई अलग ही फील आता है। मतलब जब टनल के आप उस साइड रहोगे आपको वहाँ बर्फ़ कम मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप टनल के इस पार आए नज़ारे बदल जाते हैं, जो कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं। बहुत अच्छा मौसम है, धूप भी है, ठंडक भी है। और भाई हम मुझे आगे एक जगह दिख रही है जहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, काफी भीड़ दिख रही है।
ले 396, कारगिल 450, श्रीनगर 560 और रोहतांग ला 27। गाजा यहाँ से 144 किलोमीटर है। ठंडी बर्फ, लोगों के जो पैर लगने से ठंडी रहती है, ये बर्फ लेकिन हार्ड कहती है। वाह भाई क्या बर्फ है, देखो लोग स्नोमैन बना रहे हैं, गजब। भी हम लोग बनाते हैं। सामने हमारे है अटल टनल जिससे भी हम लोग आए थे, और भाई बर्फ ही बर्फ। और सामने हमारे बैठे हैं टीम मेंबर्स, सब फोटो खिंचवा रहे हैं। वाह एक्टिविटीज, यार लेकिन ठंडी नहीं लग रही यहाँ पे अभी, ऐसा कुछ नहीं ठंडी है यार। ऊपर देखो भाई सूरज कितना शानदार। तितली बन जाओ, तितली बनो, तितली ऐसे ऐसे हाथ पैर लाओ। जोगिंदर बचा, ए जोगिंदर गया, जोगिंदर को मारो, रिवर्स मार रहा। हमारे बगल में बर्फ ही बर्फ है। वाह बहुत तेज चल रही ना बगाना छूते। वाओ वी विल इधर फाइंड अ वे और मेक वन।
आ चुके हैं सिसु वैली में, और यहाँ पे तो बर्फ मतलब अलग ही है। यहाँ पे मतलब कि चार चार फुट, मतलब कि क्या बताएं, इतनी ज्यादा बर्फ है, देख सकते हो आप। प्लस सामने जिप लाइनिंग चल रही है। बराबर चल रही है ये एक्टिविटी। अब ये देखिए, मतलब हदें मचाए हैं भाई, वो एक फोटो लेने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। और अब उठ रहा है और उठ गया अमन, और इसने अब देख लिया। और अपना जोगिंदर भाई थारा भाई जोगिंदर, और फिर से बोलो पहाड़ों वाली मैगी का आनंद लेते हुए सब।